बुरहानपुर जिले की सिंधी बस्ती बाईपास पर बिना अनुमति के बनाए जा रहे शॉपिंग मॉल के निर्माण को लेकर शिकायत के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती शाम कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर एसडीएम पल्लवी पौराणिक और तहसीलदार रामलाल पागवे ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया और 3 दिन का अल्टीमेटम देकर संबंधित पक्ष से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि बिना अनुमति चल रहे कॉम्प्लेक्स निर्माण को एमके न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर भी देखने को मिला। कल जनसुनवाई में कुछ लोगों के द्वारा कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई थी कि सिंधी बस्ती बाईपास मार्ग पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है जो कि अवैध है, जिसके पास कोई भी अनुमति के दस्तावेज नहीं है। उसकी जांच के लिए मैं और मेरी टीम यहां पर आई है, तो अभी तो कोई भी दस्तावेज यहां पर नहीं मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर 3 दिन का मैंने इनको समय दिया है, एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दे, उसके बाद फिर कोई लीगल एक्शन ले पाएंगे। अभी निर्देश दिए हैं कि अभी आप काम को बंद रखें पूर्णतः, एक बार डॉक्यूमेंट्स आ जाए उसको हम चेक कर ले कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।